हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाहबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल धनदोड़ी ने शाहबाद मारकंडा में शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन पत्र दाखिल किया। अनिल धनदोड़ी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में शाहबाद की जनता कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन देगी, क्योंकि मौजूदा सरकार से प्रदेश की जनता बेहाल हो चुकी है। अब वक्त बदलाव का है। भाजपा जो 75 पार का नारा दे रही है वह कभी साकार नहीं होगा। हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में कोई भी बड़ा नेता आ सकता है। अनिल धनदोड़ी ने कहा कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, सभी नेता एक मंच पर कांग्रेस के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक शाहबाद मारकंडा से कांग्रेस के कैंडिडेट अनिल धनदोड़ी ने शाहबाद मारकंडा में नामांकन पत्र दाखिल किया। शाहबाद मारकंडा से अनिल धनदोड़ी कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। नामांकन किया है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। निश्चित रूप से जो है आप देख रहे हैं कि भाजपा की जो सरकार है उसकी जड़ें हिलाने का काम हरियाणा की जनता ने कर दी है और एक शुभ संकेत है। और निश्चित रूप से जब 21 तारीख आएगी तो भाजपा 75 बार की बजाय जो सरकार से बाहर हो जाएगी, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और जब 24 तारीख आएगी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, तो दूसरी बार पार्टी ने मौका दिया आपको, तीसरी बार और पार्टी में जो गुटबाजी है उसका कैसे देखिए भाई साहब? कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस में सभी नेता एक मंच पे हैं, एक साथ हैं। मुझे और मेरे नेताओं को, हम सबको और हमारे कार्यकर्ताओं को पूर्णतः विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी एक है और हमारी जीत सुनिश्चित है। कौन कौन आएगा प्रचार के लिए आपकी कोई इसका? पार्टी के बड़े नेता, कोई भी बड़ा नेता मेरे यहाँ आ सकता है निश्चित रूप से। समय बहुत कम है लेकिन कैसे रिकवरी करूँ? मैं लगातार 5 साल से जनता के बीच में हूँ। 2014 से लेकर के नवंबर 2014 से लेकर के और अब तक आपके सामने खड़ा हूँ। 5 साल में जनता, शाहबाद की जनता के हकों की लड़ाई लड़ता आपने देखा होगा मुझे। किन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज देश में बेरोजगारी का है। सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के अंदर किसान का कर्ज